आप देख रहे हैं सिटी नियर न्यूज चैनल, हक की आवाज। जिला वनपर्ती मुस्तखर में हफ्तावारी प्रजावाणी प्रोग्राम यानी आवामी दरबार का इनेकाद एडिशनल कलेक्टर आशीष सांगवान की निगरानी में अमल में आया। इस मौके पर आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए अपनी शिकायती दरख्वास्त एडिशनल कलेक्टर के हवाले की। एडिशनल कलेक्टर ने सभी शिकायत कुनंदगान से दरख्वास्त वसूल करते हुए मसाइल को सुना। वहीं मस्जिद नूर की कमेटी ने भी इस प्रजावाणी प्रोग्राम में एक शिकायत पर मबनी तहरीर एडिशनल कलेक्टर के हवाले की। बाद अज़ां सिटी इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि शहर वनपर्ती के सड़कों की तौसी के हिस्से के तौर पर मस्जिद नूर के दुकानात को मुनहदिम करने की कार्रवाई पर रोक लगाने और मस्जिद के मीनारों के मुत्तसिल बर्की लाइन को हटाने के ज़िमन में एडिशनल कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई है। एडिशनल कलेक्टर ने तयकुन दिया है कि वो इस मसले की एक सुई के लिए इकदाम अंजाम देंगे। वनपर्ती से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। आज हम कलेक्टर ऑफिस आने का मकसद यह है कि आज प्रजावाणी है बल्कि मालूम हम लोगों को, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस को आए हुए हैं। इसलिए जैसे बताओ हमारे रोड कटिंग में नूरी मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है बलिया जा रहे हैं और जो है तो ऊपर दबाया पढ़ाने का मदरसा जा रहा है हमारे को, उसका नुकसान बहुत हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर आकर ये कलेक्टर को एक मेमोरेंडम देना के लिए आए हम प्रजावाणी में। हमारे को वो मस्जिद के मड़िया बगैर हटाए के बाजू से रोड क्रॉस करके ले जाओ बोल के, और जो है तो ऊपर से वायर जा रहे हैं, वायर मीनार को टच नहीं होना बोल के एक बात रखे हुए हैं। और सब कलेक्टर साहब ने वायदा किया है कि हम डी से बात करके आप बात करो बोल के बोले, डी से हमारे सदर साहब भी बात करे हुए और हम सब कमेटी के लोग आ गए हैं नूरी मस्जिद के। इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस में आज जो मेमोरेंडम दी है उस पर हमारे यकीन है कि कलेक्टर कुछ भी एक जरिया बनेंगे हमारी मस्जिद के लिए। ऐसा बोल के हम कलेक्टर को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, अगर हमारे कुछ भी अगर जरिया बनाए तो हम जहाँ तक चाहते हैं कि हमारे को वो मड़ियाँ नहीं गिराए, ऐसा रखे तो अच्छा है बोल के हम चाह रहे हैं। शुक्रिया आप लोग। कलेक्टर गारी प्रजावाणी గురించి ప్రజావాణికి వచ్చాం మేము పాట బజార్ రోడ్ల విస్తరణలో భాగంగా నాలుగు షాపులు ఉన్నాయి, ఇంకోటి పైన కరెంటు మినార్ల పక్కకెళ్ళి కరెంటు దూస్తున్నారు కనుక దాని గురించి ప్రజావాణిలో కలెక్టర్ గారికి విన్నవించడానికి వచ్చాము. ఇందులో భాగంగా మాకు మడిగల్లో నాలుగు మడిగల దిక్కు నుంచి మా మసీదుకి మెయింటెనెన్స్ నడుస్తుంటే ఆ మడిగలు కూడా తీసేయడంలో మాకు చాలా నష్టం జరుగుతుంది. పైన ఒక మదరసా ఉంది, మదరసా ఇగుడుక రెండు రూములు ఉంది, అవి కూడక నష్టం జరుగుతుంది. కనుక ప్రత్యామ్నాయంగా మాకు ఏదన్నా సహాయం చేయాలని, మరియు ఆ షాపులు తీసేయకుండా పక్కలకి వెళ్ళి రోడ్డు తీసుకుపోవాలని మేము కలెక్టర్ గారికి విన్నవించడానికి పొందపరిచికి రావడం, కలెక్టర్ గారి మీటింగ్ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది. సార్